तो फॉरलाइट 84 के छठे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा आखिरी एपिसोड होगा क्योंकि आज के दिन ये जो बीटा एक्सेस है हमारे हाथ से निकलने वाला है, यानी फॉरलाइट 84 को और हम नहीं खेल सकते जब तक ग्लोबल लॉन्च नहीं होता है। तो आप लोग कमेंट करके ये मत पूछना कि ग्लोबल लॉन्च कब होने वाला है, तो ये तो डेवलपर भी खुद नहीं बता रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। तो कुछ नया कैरेक्टर हो सकता है हम परचेस कर पाए, देखते हैं चेक करके कितना कर प्राइस है। ये परचेस कर चुके हैं, इसको भी कर चुके हैं 320। तो ये है डोमिनिक, इसको हम परचेस कर लेते हैं। तो टाइटल भी वही रखने वाले हैं, डोमिनस या डोमिनिक। अबे साले, चलो इसको चेंज कर लेते हैं जल्दी से। डोमिनिक भैया हमारा कहाँ है, ये रहा, इसका डिटेल चेक कर लेते हैं क्या इसका स्पेशलिटी है। सील्ड कॉस्ट 5% लेस एनर्जी टू रिचार्ज। ओके, जल्दी से जल्दी ये रिचार्ज हो सकता है। तो चलो ऑटो मैचिंग ऑफ कर लेते हैं। हमारा कोई सब्सक्राइबर हमारे साथ हैं या फिर नहीं? तीन बंदे फिलहाल हमारे फ्रेंड है इस गेम में जो अभी फिलहाल ऑफलाइन है। तो बैड लक, चलो स्टार्ट करते हैं। मत करो, रन लो। तो गेम प्ले पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो। उम्मीद करते हैं 50 लाइक से पार हो जाए। टारगेट वही रखेंगे, छोटा सा टारगेट है, कंप्लीट कर दो। और शेयर जरूर कर देना ताकि हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाए। पहले इसका थोबड़ा देख लेते हैं। वाह यार, ये है डोमिनिक भाई, दुखी आत्मा। जीवन में सुख दुख कुछ नहीं है, सिर्फ आए खेलने के लिए, जिंदगी व्यक्त करने के लिए। और थोड़ा घुमाओ इसको, बस अभी ठीक है, अच्छा पोजीशन। अरे थोड़ा स्माइल तो कर दे। नहीं, देख सारे बंदे को देख, इतना खुशी से फायर कर रहे हैं और तू एक लौंडा जिंदगी में। Stop it. Get some help. तो ये हम आए रिवर व्यू पार्क में चलेंगे या फिर कुछ मार्केट है, ग्रे मार्केट, वहां भी जा सकते हैं। क्या लगता है कहाँ जाए? मरने ऑब्वियसली उतरेंगे मतलब मरेंगे। चलो पहले में ही जाते हैं ग्रे मार्केट पे ताकि अच्छा एक गन मिल जाए। गन तो सभी जगह मिलता है लेकिन मार नहीं पाते हम, पोपट बन जाता है। ऑब्वियसली सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हैं तो पोपट बनने का चांसेस 99.9% है। अरे कहाँ उतरे हम? छत में नहीं उतरना था, अभी बंदे आ जाएंगे। कोई है बंदा, अच्छा बंदा है, पहले ले मरना नहीं यार, मरना नहीं यार, जो भी हो जाए मरना नहीं। अरे नहीं, ये हुई ना बात, एक को मार के ये बैठा हुआ था बेचारा। ये रहा वो बंदा, कार लेके इस तरफ आए। SMG लो और ऐसे मारो, असॉल्ट राइफल से SMG काफी भयंकर वाला गन है। इसमें जो है रिकॉल बहुत ही कम होता है और जब आपका स्कोप जो है अच्छी जगह खुल जाए तो और भी अच्छा हो। क्रॉस एयर जो है सही जगह रख के स्कोप को ओपन करना है। ये बंदा स्पोर्ट्स कार लेके भाग रहा था, भाग नहीं रहा था, हमें मारने आ रहा था, इतना हिम्मत हो गया था इसका। 3 hours later. कहां से आवाज आया? जहां बंदे वहां हम, चाहे चार बंदे हो या फिर एक बंदे हो या फिर कुछ बंदे ना हो, पहुंचेंगे जरूर। जो भी करो धप्पा मत करना। तो इस तरह बंदे नहीं आए होंगे क्योंकि काफी अच्छे अच्छे गन पड़े हुए हैं। ए, साउंड आया। इसमें जो बंदे अकेले अकेले घूमते हैं जिसके लिए हमें एडवांटेज मिल जाता है, किल मिलने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, जब आप खेलते हो फॉरलाइट 84 तो आप क्या स्क्वाड के साथ खेलते हो या फिर अपना मनमानी करते हो? ये चला रहा है यहाँ से, इसके क्लोज जाना पड़ेगा या फिर देख ना ले हमें। स्कोप सही टाइम पे नहीं खुलता यार, सही टाइम पे स्कोप नहीं खुलता है। तो ड्रॉप के पास चलते हैं, कोई बंदे तो आएंगे जरूर। मारना मत, स्नाइपर से मारना मत बिल्कुल, हमें, हम यहां नहीं है बिल्कुल भी।
कोई मार रहा है। चलो ड्रॉप ओपन करते हैं, ड्रॉप के चक्कर में मर ना जाए हम। होल्ड करो। कोई आया? आराम से। हो गया काम तमाम। मोहम्मद ने मार दिया हमें। गजब बेइज्जती है। ऊपर भेज दिया 2 किल के साथ। जब बंदे आते हैं तभी लैग होने का होता है इनको। आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि यार सेंसिटिविटी जो है पूरा फुल कर दो। देख लेते हैं, फुल करके सारे के सारे फुल कर देते हैं। तो इस बार चलते हैं ग्रे मार्केट पे, जहाँ पहली बार उतरे थे हम। चलो गन ले लो जल्दी से। फिर से शॉर्ट गन नहीं रहा, स्नाइपर राइफल। अब ठीक लग रहा है, सेंसिटिविटी जो है। गया, पहले देखना चाहिए ना। एक शॉट, कहाँ जा रहा है तू? भगा रहा है, देखो सिर्फ भगा रहा है। ये मार, मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। कहां तक भागेगा तू? थैंक यू सो मच भाई, जिसने भी बताया कि सेंसिटिविटी तो फुल कर दो। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है खेलने में। चलो इस कार वाले के पास चलते हैं, लेकिन वो भागेगा। इसी कार के अंदर है क्या बैठा हुआ है? चलो ये भी गई। क्या कर रही थी, क्या करना चाह रही थी पता नहीं। कुछ नहीं है उसके थैली पे। चलो इस तरफ भी बंदे हैं तो और भी मजा आएगा हमें पिटाई करने में या फिर पिटने में। असॉल्ट राइफल है तो लेना तो बनता ही है हमें। बंदे दिख जाओ यार। ये रही, इसका ठीक टाइम पे नहीं खुलता है स्कोप। एक गया, दो गया, पूरा स्क्वाड गया इधर। जय हो सेंसिटिविटी की। इधर बहुत भयंकर मारपीट हुआ है, चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडी ही डेड बॉडी। और हम आके 2 किल ले गए आसानी से। तो 5 किल टोटल हो चुका है इस आखिरी मैच में। यार जीत जाते हैं। पहला फॉल लाइट 84 का गेम प्ले सीरीज स्टार्ट किए थे जीत के साथ, और एंड भी करेंगे क्या जीत के साथ इस मैच में तो पता चल जाएगा। इसमें हम बोट नहीं चला सकते, क्या पता इन फ्यूचर जब ग्लोबल वर्सन लॉन्च हो उसमें बोट भी ऐड कर दें। चला के भी कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा क्योंकि उतना बड़े बड़े रिवर तो इसमें नहीं है। बंदा आ गया, लगा है। अब एसोल्ट राइफल ले लो जल्दी। चलो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया गया काम से, यूज नहीं करना था स्किल। रेहान ने मार दिया, वो खुद भी मर गया, क्या बात है यार। चलो बदले पे बदला, फिफ्थ पोजीशन पे आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ वाइल्डलाइट 84 के गेम प्ले सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आए होंगे। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट पार्ट यानी एपिसोड कौन सा था, 1 था 2 था 3 था या फिर लास्ट वाला एपिसोड। एंजॉय किए होंगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इस तरह का और इंटरेस्टिंग न्यू गेम का गेम प्ले सीरीज की गेम प्ले देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, लोगो बटन आ चुका है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फ्रेश एंड फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।